लक्ष्मी देवी की जय। अबे ओ नंदो, हुआ के नहीं अभी और कितनी देर लगाएगा, निकाल इसे बात निकाल। तकरीबन 60 फिल्मों में नारायण नारायण कहने वाले अभिनेता, जी हाँ नारद मुनि का चरित्र निभाने वाले अभिनेता जीवन की दास्तां है ये। अरे घनचक्कर, माँ बाप ने नाम रखा था ओमकार नाथ धर। ये दरअसल एक कश्मीरी पंडित रहे। इनका जन्म हुआ 24 अक्टूबर सन 1915 में, जगह श्रीनगर। ये मात्र 3 बरस के थे जब इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया था और इनकी माँ भी प्रसूति के दौरान गुजर गईं। इनके दादा गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर रह चुके थे। शुरू से ही जीवन के मन में इच्छा थी कि ये कैमरामैन बने। फोटोग्राफी का बहुत शौक था और एक दिन अपने कॉलेज की छुट्टियों में ये भाग कर आ गए मुंबई, जहाँ पर इनके एक जानकार ने इन्हें बतौर असिस्टेंट लगवा दिया एक सिनेमेटोग्राफर के यहाँ। तब तक ओमकार नाथ धर ने ये नहीं सोचा था कि वाकई एक्टिंग का मौका मिलेगा। ये तो यही सोच रहे थे शायद घर वापस लौटना पड़े और वहाँ पर एक छोटा सा फोटो स्टूडियो खोल लूंगा। मोहन सिन्हा साहब के यहाँ इनकी जॉब तो लग गई थी। ये वही मोहन सिन्हा है जिनकी पोती विद्या सिन्हा बाद में फिल्मों में आई थी। ओमकार नाथ धर को काम दिया गया था कि ये लकड़ी के टुकड़ों पे चांदी का कागज चिपकाएंगे, यानी कि ये बतौर रिफ्लेक्टर बॉय काम करते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ जब इन्हें कहा गया कि तुम जाओ और चांदी के कागज को चिपका के उसे सुखा के वापस लाओ और याद रखना कि ये सारा काम छांव में होना चाहिए, धूप में नहीं। ओमकार नाथ नए नए थे, इन्होंने चांदी का कागज चिपकाया और उसे छांव की जगह धूप में ही रख दिया। धूप पूरी तरह से खिली नहीं थी और ओमकार नाथ के पास बहुत समय था, इसलिए ये बाग में टहलते रहे और तभी इन्होंने सामने देखा कि एक डायरेक्टर कुछ लड़के लड़कियों को एक नाटक का रिहर्सल करा रहा है। ये वहां पर जाके खड़े हो गए और इन्हें पता चला कि लड़कों की टोली में एक एक्टर कम है। उन डायरेक्टर साहब ने इस नौजवान लड़के को देखा और पूछा, ये 2-4 डायलॉग बोल सकते हो क्या? इन्होंने 2-4 डायलॉग बोले और उसके बाद एक बड़ा ही जज्बाती शेर बोलना शुरू किया। इतने में धूप खिल चुकी थी और चांदी के कागज पे पढ़कर वो ठीक ओमकार नाथ धर की आंखों में आ रही थी। बाकी के लोग दूसरी तरफ खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि जज्बाती डायलॉग बोलते बोलते ये लड़का रो कैसे सकता है, कैसे कोई पहली ही बार में आंसुओं के साथ एक्टिंग करके दिखा सकता है। और ये कोई नहीं जानता था कि वो जो धूप की चमक उस चांदी के कागज से ओमकार नाथ धर की आंखों में पड़ रही है, उसकी वजह से ये आंसू बह रहे हैं। सभी ने तालियां बजाई और ओमकार नाथ उर्फ जीवन को ब्रेक मिल गया फिल्म फैशनेबल इंडिया में। यहाँ से सिक्का शुरू हुआ और फिर चलता ही रहा। इसी बात का फैसला करने के लिए तो हम लोग इधर आया है। चाहे कॉमिक विलेंस रहे कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में रहीं या फिर माइथोलॉजिकल ड्रामा, हर जगह जीवन ने अपना ऐसा सिक्का जमाया कि कोई इन्हें हिला ना पाया। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारे यहाँ कपड़े का व्यापार नहीं होता, नहीं तो दशक दस की क्या बात थी, हम दे देते। ये बात भी गौर करने लायक होगी कि इनकी एक बहन थी और 23 भाई। बहन की लाश की रक्षा करना हर भाई का फर्ज होता है, फर्ज ही नहीं बल्कि धर्म होता है, और मैं भी उस धर्म की रक्षा करूंगा। इनकी खासी दोस्ती रही थी मशहूर कैमरामैन द्वारका द्वेचा के साथ। उन्हीं के साथ बतौर रिफ्लेक्टर बॉय इन्होंने शुरुआत की थी। जय बोल देवी लक्ष्मी की। बड़े बड़े हीरोज के साथ जीवन नजर आए, बड़े बड़े दिग्गज विलेंस के साथ भी ये नजर आए और कैरेक्टर देहाती रहा कि शहरी। इन्होंने ऐसी गहरी छाप छोड़ी अपने अभिनय की कि आज भी वो ताजा है। दादाजी, हम अपने पैरों को इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि सारी दुनिया एक बिरादरी बनकर रहे, लोग अपने अपने दरवाजे खुले रख के सोएं और किसी को भी किसी का ताला तोड़ने की जरूरत न पड़े। जीवन की शादी हुई किरण से और इन्होंने अपने घर का नाम रखा जीवन किरण। जीवन साहब के दो बेटे किरण कुमार और भूषण कुमार ने भी एक्टिंग का ही दामन थामा। किरण कुमार बतौर हीरो नजर आए, फिर बतौर विलेन और फिर टेलीविजन इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार। भूषण कुमार ने भी फिल्मों और टेलीविजन पे खूब काम किया। और 10 जून सन 1987 वो समय लेकर आया जब जीवन ने जीवन त्याग दिया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में जीवन साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।